ओके सो हेलो गाइस गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय नेम इज एंड यू आर वाचिंग टेक सो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज 11 की आईएसओ फाइल या फिर जिसको हम डिस्क इमेज भी बोलते हैं उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री एंड ऑफिशियली बट गाइस बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो अगर हम बात करें विंडोज 11 के बारे में तो विंडोज 11 सबसे पहले विंडोज इनसाइडर्स के लिए रिलीज़ हुआ था देन बीटा स्टेज में रिलीज़ हुआ और फिर विंडोज़ 11 का ऑफिशियल बिल्ड रिलीज हुआ सभी के लिए सभी यूजर्स के लिए ठीक है फिर विंडोज़ इलेवन यू नो धीरे धीरे सभी जो भी हाई एंड पीसीज है उनके अंदर रोल आउट होना स्टार्ट हो गया था ठीक है सो आई हैव बीन यूजिंग विंडोज इलेवन फॉर ऑलमोस्ट सिक्स टू सेवन मंथ्स एंड इट्स वेटी गुड आई वुड से देर आर लॉट ऑफ अपग्रेड्स एंड फीचर्स आर एडेड सो अब वीडियो को शुरू करते हैं ठीक है तो गैस सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यू नो बेल आइकन को भी प्रेस कर लो और ऑल भी क्लिक करो ताकि आप जो भी नो लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल जाए ठीक है तो चलिए आप वीडियो को शुरू कर दें ओके सबसे पहले गैस आप अगर आप देखिए अगर आप फ़ोन में डाउनलोड करें अपने विंडोज़ 11 को ठीक है तो भी आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं ठीक है आपको भी ब्राउज़र ओपन करके जो भी मैं आ, स्टेप्स बताऊंगा वो आप फॉलो करते रहिए ठीक है तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद गैस आपको यहाँ पर लिखना विंडोज़ एलेवन आई राइट ये आपको सिंपल यहाँ पर सर्च कर देना है ठीक है तो एसिकेंसी माइक्रोसॉफ्ट uh, की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगी डाउनलोड विंडोज इलेवन माइक्रोसॉफ्ट राइट तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जैसे आप इस वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे तो आप देखिए डायरेक्टली आप डाउनलोड पेज पर आ जाओगे डाउनलोड विंडोज इलेवन यहाँ पर कुछ स्टेप्स वगैरह लिखे हुए ठीक है uh, ये कुछ इंस्टॉलेशन के लिए जैसे लिख सकते हैं इंस्टॉलेशन असिस्टेंट्स के भी थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्रिएट विंडोज इलेवन इंस्टॉलेशन मीडिया उसके थ्रू भी आगे मतलब आप पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्चुअली में बताऊँगा कि आप कैसे विंडोज इलेवन के लिए पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बना सकते हैं ठीक है गैस विंडोज इलेवन इंस्टॉल करने से पहले एक बार विंडोज इलेवन की जो रिक्वायरमेंट है वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना आपको मिल जाएगी यहाँ पर जैसे कि मैं लिखूँ रिक्वायरमेंट फॉर यू नो विंडोज़ 11 तो यहाँ पर को ऑफिशियल वेबसाइट्स पर ये इसके जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो देखने को मिल जाएगी तो मिक्शर sure कि आपका जो पी है वो इन रिक्वायरमेंट्स के साथ फुलफ़िल हो एजेंसी कि फोर जी ऑफ़ रैम होना चाहिए वन जी ऑफ फास्टर और टू मोर कोर्स होना चाहिए ये सारी आप देखते रहिए ठीक है एंड टी पी एम ये काफ़ी लोगों के अंदर यू नो मुझे फुलफिल नहीं नजर आता तो मिकशोर sure आप ठीक है तो ये पढ़ लेना और सब चेक कर लेना देन अब अगर इस पेज पर आए सबसे नीचे आपको आना है एंड डाउनलोड विंडोज इलेवन डिस्क आई एस ओ ठीक है डिस्क इमेज और ब्रैकेट में आई एस ओ ठीक है तो इस ऑप्शन uh, पर आपको आ जाना देन यहाँ पर आपको के विंडोज़ पर आना है एंड देन विंडोज इलेवन मल्टी एडिशन आई एस ओ इसक सेलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है डाउनलोड क्लिक करने पर एज़ आपको ऑप्शन मिलेगा कि सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज ठीक है तो यहाँ पर सिंपल मैं चूज़ वन को एक्सपैंड करूँगा और यहाँ पर इंग्लिश सर्च कर दूँगा ठीक है देन आपको सिमल आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है एंड ओके uh, uh, okay. सी यहाँ पर मुझे विंडोज़ एलेवन इंग्लिश फॉर सिक्सटी फोर बिट डाउनलोड की लिंक मेरे को यहाँ पर मिल गई है लेकिन यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए तो वैलिड लिंक्स यानी कि जो जो लिंक अभी जनरेट हुई है ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि इस पर जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो डाउनलोड जो है स्टार्ट हो जाएगा लेकिन गैस अभी जो ये लिंक जनरेट किए ये आप ट्वेंटी फोर हावर्स तक वैलड वैलड रहेगी बल अगर मैं डाउनलोड करने के बाद उसको अगर मैं पॉज कर लूँ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चॉइस मिनिमम ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं होगी ठीक है चॉइस आवर्स के बाद यू नो ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी और आपकी जो फाइल है वो करप्ट हो जाएगी सो आई वुड रिकमेंड यू टू डाउनलोड विदविन ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है सो so, यहाँ पर जस्ट मैं uh, यहाँ पर लिंक एक्सपायर भी लिखा हुआ कि कब एक्सपायर होने वाली यानी कि ये जो डेट लिखी हुई है और ये टाइम लिखा हुआ है राइट तो यहाँ पर सिंपल मैं 64 फोर बिट डाउनलोड थर्टी टू बिट ओ एस अवेलेबल नहीं है करंटली ठीक है और मुझे लगता है थर्टी टू बिट ओस वाला कोई सिस्टम लो एंड सी विडोज एलेवन को uh, नो you सपोर्ट know, भी कर पाएगा या नहीं ठीक है तो यहाँ पर सिंपल मैं 64 फोर बिट डाउनलोड पर क्लिक कर देता हूँ जैसे मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जोड़ सी डाउनलोड पॉप आ गया इसको मैं यहाँ पर डेस्कटॉप डाउनलोड में सेव करूँगा सेव सी गाइज डाउनलोड यू कैन सी गाइज तो ऐसा आप इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा इस mm. देन mm. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज़ इलेवन के लिए पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बना सकते हैं देन हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं सो so, बस ये था आज के इस वीडियो में आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है वीडियो चैनल पर सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए टेक केयर गाइस गुड बाय